हेलो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ और पैनक्रियाटिक कैंसर का गहरा संबंध है। पैनक्रियास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पैनक्रियास अगर इंसुलिन न बनाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, और अगर पैनक्रियास की ओर से बनाए गए इंसुलिन का इस्तेमाल शरीर नहीं कर पाता तो उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। वहीं डायबिटीज़ होने पर जो समस्याएं होती है उससे पैनक्रियाटिक कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, तो दोनों में गहरा संबंध है। पैनक्रियाटिक कैंसर से बचने के लिए आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना होगा और पैनक्रियास को हेल्दी रखने के लाइफस्टाइल में हेल्दी आदतों को शामिल करना होगा। पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षण: पेट में दर्द होना या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, शरीर में पीलापन, जी मिचलाना, उल्टी होना, वजन घटना, पेशाब के रंग में बदलाव होना, भूख न लगना आदि शामिल हैं। डायबिटीज़ में क्यों होता है पैनक्रियाटिक कैंसर का ज़्यादा खतरा? पैनक्रियास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। खाने को पचाने में पैनक्रियास हमारी मदद करता है। पैनक्रियास बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का भी काम करता है। अगर आपके शरीर का ब्लड शुगर लेवल ठीक नहीं है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, और डायबिटीज़ के कारण पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। जिन मरीजों का वजन कंट्रोल नहीं होता और जो धूम्रपान का सेवन करते हैं उनमें कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो मतलब आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है, और एक बार आपको डायबिटीज़ की समस्या हो गई और आपने अपने लाइफस्टाइल में ज़रूरी बदलाव नहीं किए तो आपको अन्य बीमारियों का खतरा हो सकता है, जिसमें से एक पैनक्रियाटिक कैंसर भी है। पैनक्रियाटिक कैंसर होने के कारण: अगर आपको डायबिटीज़ है तो पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड में कैल्शियम का स्तर ज़्यादा होने से भी, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से। अगर आपको गॉलब्लैडर में स्टोन है तब भी आपको पैनक्रियाटिक कैंसर होने की आशंका हो सकती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने और पैनक्रियाटिक कैंसर से बचने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखें, मीठी चीज़ों का सेवन ना करें, अल्कोहल या तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें, इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हेल्दी डाइट लें, फल और ताज़ी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। डॉक्टर को कब दिखाएं? पैर में सूजन होना या तलों में सूजन होना अनहेल्दी पैनक्रियास के लक्षण हैं। ये नज़र आने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो ये भी अनहेल्दी पैनक्रियास का लक्षण है। आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कमजोरी की समस्या या डाइजेशन की लगातार समस्या बढ़ी हुई है तो मतलब आपके पैनक्रियास अनहेल्दी हैं और आपको चेकअप की ज़रूरत है। वहीं पेट के आकार में बदलाव महसूस होने पर भी डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो शुगर लेवल कंट्रोल रखें, अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते रहें, हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज को रूटीन में ऐड करें। अगर आपको कैंसर के लक्षण नज़र आते हैं तो उसे टालें नहीं, बल्कि समय रहते उसका चेकअप करवाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।